आप सभी देख रहे हैं दीप न्यूज बुझा 24। सुबह से कितने शिक्षक आए हैं? हाँ, एक टीचर आए हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं। क्या नाम है आपका? बिरेंद्र कुमार। कौन क्लास में? टोटल कितना क्लास तक है? आठवां तक, एक से आठवां तक है। कितना शिक्षक है इसमें? टोटल मास्टर को जन बालो तीन जन में कोई आदमी आई लो एक जन। क्या नाम हो? कौन क्लास में पढ़े लो? सुबह से कौन जाना मास्टर यहाँ आए सुबह रे? एक आदमी की आए। क्या नाम हो? उमेश सर। अब बाकी दो आदमी आए लोग। क्या नाम हो? अंकित। कौन क्लास में पढ़े लो? यहाँ सुबह से कौन जाना मास्टर आए लोग सुबह रे? ओके ओके कब बजे लो? 10 बजे लो तो कोई नहीं है मास्टर ले लो। हां एक आदमी का नाम हो? जी हां ये लोग का नाम हो गए हेड सर। हेड सर के का नाम हो? ठीक का नाम हो? अनूप कुमार। कौन क्लास में पढ़े लो? ये स्कूल में कब आइलो हो? सौ जबानी है तो कब ऐसा जी नहीं ठीक बस ऐल तो कह देना सर ले लेब ये स्कूल में एक आदमी के रहो का नाम हो? आए नाम पता नहीं है इनको, नाम मालूम नहीं है। आए यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे कोई सहायक टीचर उपस्थित नहीं थे, उसके विषय में आपको क्या कहना है? सहायक शिक्षक जो उपस्थित थे इन लोगों को बताया गया था कि नामांकन अभियान जो सब जी इनको बोला कि जा तो कर लीजिए अपना प्रोसेस। बच्चे को कहना है कि यहाँ पे एक ही टीचर प्रेजेंट है सुबह से अभी तक, लेकिन दूसरा टीचर कोई सहायक टीचर उपस्थित नहीं थे, वो हेड सर आए हुए थे, उसके विषय में आपको क्या कहना है? बच्चे को डायरेक्ट कहना है तो बच्चों को कहना तो बच्चा जो मान लीजिए जो कह रहा है वो तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन वो कह रहा है तो मान लीजिए जिनको देखा होगा उसने कहेगा। यहाँ पे आपको कहने का मतलब है कि जो बच्चा बोल रहा है वो सब झूठ बोल रहा है? हम तुम्हारा झूठ बोल रहा है आपका स्पष्ट रूप से वही कहना है? बच्चा लोग बोला है जो बच्चा ठीक है बच्चा लोग जो बोला है तो बोल रहा है ठीक है, तो मान लीजिए जो देखा होगा वही ना बोलेगा जी? बोल रहा है जी सर 11:30 बजे आए उसमें भी बोले हैं, और 1 से 8 तक की क्लास है जिसमें एक टीचर उपस्थित थे वो भी हेडमास्टर सर। 10:30 बोल रहा है तो कोई बच्चा का मोबाइल लिया है का कोई टाइम टेबल है वो? ठीक है सर आप लोग जो कह रहे हैं आप जो कहिएगा वही उचित नहीं ना जी? यहाँ और लोग हैं चाहे कब विद्यालय खुलता है वो सब नहीं बच्चा है आप इस विद्यालय में हम लोग मान लेते हैं कि आप इस विद्यालय में 9 बजे पहुँचे थे वो ठीक बात है, पर आप जो बोल रहे हैं कि इस विद्यालय में तीनों शिक्षक हम लोग उपस्थित थे, लेकिन इस विद्यालय में 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों से हम लोगों ने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि मात्र एक ही सर आए हैं जो हेड प्रिंसिपल हेडमास्टर सर हैं, बाकी इसमें सहायक शिक्षक कुछ भी नहीं आए। पोषक क्षेत्र में लगाया गया था नामांकन करने के लिए जी, तो विद्यालय से आकर ही तो गए होंगे पोषक क्षेत्र में? विद्यालय आकर ही गए होंगे तो मान लीजिए जैसे संत घाट से जाते हैं जी, तो आए तो इधर मान लीजिए उधर है बोलता है भरवा टोला और कौन टोला है उधर तो दूर दूर पर है, तो उधर से आते हैं लोग अपना श्रीनगर में तो पोषक क्षेत्र में श्रीनगर में तो भरवा टोला कहीं नहीं है सर। बात ये है कौन टोला बोलता है जी बिनटोली के बगल में और टोला बिनटोली है, तो विद्यालय से आकर ही तो गए होंगे क्षेत्र में? उधर से बोले हैं मतलब विद्यालय में नहीं आए हैं बच्चा भी नहीं देखा? आइए सर आइए सर एक सर जो तीन सर है ना एक सर को तो बता दिए आप तो वो संत घाट से आए हैं उनका जो संत घाट से आए हैं उनका तो बता दिए कुदरे से आए हैं उधर क्षेत्र में लग गए हैं काम के लिए तो यहीं पर है। ये तो अभी तो आए हैं अभी तो रहे हैं पोषक क्षेत्र में गए थे तो पोषक क्षेत्र में आप बोले हैं कि पोषक क्षेत्र में गए हैं तो जब सर आए हैं तो आए हैं तब उनसे पूछे हैं तो सर कागज वागज कुछ दिखाए नहीं
इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मतलब जब सर आए हैं तो कागज लेकर नहीं, सर्वे करने गए थे तो कागज लेकर नहीं आया हाथ में, कागज हाथ में नहीं था, इसके बारे में कागज नहीं था। मान लीजिए कहीं कागज रखे हुए हैं तो कागज उनके हाथ मतलब पॉकेट में। जी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि कागज सर घर पे रख कर चले आए? हमारे कहने का पॉकेट में रखे उनसे आप लोग कागज मांगे आए हैं तो उनसे पूछा है कि सर आप जो सर्वे कराए गए थे।